नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश वानिया स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वही मेरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि संतान के बारे में मेरी सीरीज चल रही है, और ये इस सीरीज, ये जो लेक्चर है, ये 33 का ये पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट इसमें मेरे हो चुके हैं, ये पार्ट नंबर 5 है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कुंडली किस तरीके से चाइल्ड को प्रॉमिस करती हैं कि चाइल्ड के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, सप्तांशा देख के, नवांशा देख के, बर्थ चार्ट देख के। उसके अलावा बताया कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट क्या होते हैं, उनको कैलकुलेट करना बताया। उससे भी बताया कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं तो संतान योग के चार पूरे चांसेस होते हैं। और उसके बाद संतान तिथि के बारे में बताया कि अगर सब योगों से ऐसा लग रहा हो कि कुछ पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है संतान के बारे में, तो संतान तिथि से एक बार ज़रूर चेक करें। अगर वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो इट मीन्स संतान के योग हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो तीन चार वीडियो आपने वो मेरे हो चुके हैं। ये 5th सीरीज़ है। इसके अंदर मैं जो थोड़ा हिट बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कि डिले इन चाइल्ड, कि कैसे कुंडली में देखें कि भाई चाइल्ड में डिले होता है, डिले इन चाइल्ड। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं कि योग नहीं है, योग तो है संतान के, लेकिन डिले होने के योग है। अब डिले करने कैसे होता है डिले, तो उसके लिए ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कुंडली के अंदर सबसे एक चीज़ है जिसे कहते हैं कि शनि शनि, यानी जो हमेशा हर प्लान को डिले करने वाला होता है वो सैटर्न होता है, शनि होते हैं। तो शनि कुंडली में जिसके साथ भी एसोसिएट होंगे, जिस घर से एसोसिएट होंगे, उस घर के रिजल्ट्स के अंदर वो धीरे कर देंगे इसको, रिजल्ट्स को डिले लेकर आएंगे। अगर शनि अच्छे ग्रह हैं तो रिजल्ट तो बढ़ाएंगे घर के, लेकिन चूंकि उनका नैसर्गिक स्वभाव धीरे है बहुत चलना, तो वो उस रिजल्ट के रिजल्ट्स को, घर के रिजल्ट्स को डिले भी कर देंगे। अब इसमें क्या है कि मैं जैसे आपको इसमें सिंपल 2 कुंडली में बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर देखने के लिए आपको बर्थ चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको D7 चार्ट की जरूरत पड़ती है। ये एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2 है। मैं 2 एग्जाम्पल्स आपके पास इसके बाद लिए हैं, इनसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी डिले इन चाइल्ड देखना है तो आप सप्तमांशा चार्ट से देखिए। आप कंप्यूटर से बना सकते हैं, और वैसे कैसे बना सकते हैं बर्थ चार्ट से उसको, वो मैंने आपको पीछे मैनुअली बताना सिखाया भी है पीछे के पार्ट के अंदर। तो चाहे तो आप वो पीछे का पार्ट देख लें, उससे आपको मालूम चल जाएगा। अदरवाइज आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं किसी भी कुंडली का प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह फीड करके, कि D7 चार्ट उसका निकाल सकते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए 2 D7 चार्ट रखे हैं यहाँ पे। अब इसमें देखना चाहते हैं कि क्या डिले इन चाइल्ड है या नहीं है। तो सबसे प्रोसेस इसका पहला एक चीज़ तो ये देखिए कि चाइल्ड का प्रॉमिस है या नहीं है। चाइल्ड प्रॉमिस के लिए क्या करते हैं कि देखिए लग्न, D7 का लग्न देखिए। अब D7 का लग्न आपने ये देखा तो इसको, लग्न को 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, हालांकि एक ग्रह मंगल वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन 2 शुभ ग्रह भी इसको देख रहे हैं। और कहीं भी किसी भाव को 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह देखते हैं तो वो भाव बलि हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लग्न बलि हो गया तो इसका मतलब यह है कि ये कुंडली ये तो प्रॉमिस करती है कि चाइल्ड होगा। अब डिले करती है वो कैसे मालूम चले, तो देखिए 3 चीज होती हैं। एक लग्न देखिए, एक 5th हाउस देखिए, एक इसको देखेंगे आप, लग्न को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे, और हमारा लग्नेश देखिए, 5th हाउस का लॉर्ड देखिए, और उसके अलावा 9th हाउस को देखिए, और 9th हाउस का लॉर्ड देखिए। ये 6 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी लग्न, 5वां भाव, नवा भाव, लग्न का स्वामी लग्नेश, 5वें भाव का स्वामी 5HL, 5th लॉर्ड हो गया, प्लस नवे भाव का स्वामी 9th हाउस लॉर्ड हो गया, 9th लॉर्ड हो गया नवे भाव का स्वामी। तो ये देखना है, अगर इनका किसी का भी सैटर्न के साथ, शनि के साथ एसोसिएशन बनता है तो ये बात पक्की होती है कि चाइल्ड में डिले की प्रैक्टिस बन जा, डिले की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ये उसमें हो जाता है। अब जैसे आपको मैं एग्जाम्पल कुंडली दिखाऊं, देखिए एग्जाम्पल कुंडली में आपका इसमें लग्न आपका वृष है, ये वृष लग्न है इसके अंदर,
अच्छा पांचवा भाव आपका देखिए, क्या लग्न का शनि से कोई कनेक्शन है? शनि यहां बैठा है तीसरे भाव में, तो यह सातवीं दृष्टि हो गई, आठवीं नौवीं दसवीं नहीं, तो लग्न से शनि का कनेक्शन नहीं है। क्या पांचवें हाउस से शनि का कनेक्शन है? देखिए शनि यहां बैठा है तो शनि पांचवा हाउस ये है, तो शनि की पहला दूसरा तीसरा थर्ड दृष्टि यहां पर है, इसका मतलब पांचवें हाउस से शनि का कनेक्शन है। क्या नवे हाउस से शनि का कनेक्शन है? वो देख लेते हैं। शनि ये है इधर बैठा हुआ थर्ड हाउस में, सातवीं दृष्टि इसकी नवे भाव में हो गई। जब सातवीं दृष्टि इसकी नवे भाव में हो गई तो इसका मतलब नवे भाव से भी इसका कनेक्शन है। तो इतना ही बहुत है, फिर हमें लग्नेश और 5HL और 9HL देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कनेक्शन ना होता तो फिर इनके कनेक्शन हम देखते, तो हमारा कुंडली से साफ मालूम चल रहा है कि इसमें पांचवा भाव, इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी, या पांच में छह में से ऑलरेडी दो पूरी हो चुकी है कि पांचवा हाउस और नवा हाउस जो कि संतान के हाउस माने जाते हैं, उनका एसोसिएशन सैटर्न के साथ है, और सैटर्न का जब एसोसिएशन होता है तो संतान में डिले होती है। तो इसलिए इन महिला के संतान जो हुई वो 4 साल बाद हुई। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, संतान योग था, सब कुछ था, क्योंकि लग्न को सब शुभ ग्रह देख रहे थे, लेकिन डिले हुआ 4-5 साल का, क्योंकि इसके अंदर आपका पांचवें हाउस में या नवे हाउस के अंदर शनि का एसोसिएशन था। अब दूसरी कुंडली देखते हैं। दूसरी कुंडली में देखिए, दूसरी कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो इसमें आप देखें तो लग्न, लग्न देखिए D7 का लग्न है इसका पाइसेस, मीन राशि, मीन राशि का स्वामी क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ गया है? 11वें भाव में। ये भी D7 कुंडली है दूसरी, तो जुपिटर गया 11वें भाव में, तो 11वें भाव में जो भी ग्रह जाता है वो वृद्धि होती है उसकी, क्योंकि लाभ होता है, तो इसका मतलब जुपिटर वेल प्लेस्ड है। जब जुपिटर वेल प्लेस हुआ तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे संतान योग है। अब देखते हैं कि संतान के डिले के योग है या नहीं है, डिले का इसमें योग बनता है नहीं बनता है। तो देखिए पहले लग्न देखिए, क्या लग्न से शनि का कुछ अर्थ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, लग्न पे शनि की दृष्टि नहीं है, तो ये भी दृष्टि नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। पांचवें हाउस पे शनि का कोई एसोसिएशन है? पांचवा हाउस ये है, साथ यहाँ हो गया शनि का 8, 9, 10, तो पांचवें हाउस से भी एसोसिएशन नहीं है। क्या नवे हाउस से एसोसिएशन है शनि का? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, नवे हाउस से भी एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि पांचवी दृष्टि नहीं होती, तो इसका मतलब इनसे तो एसोसिएशन है नहीं इसका। तो अब अगर यहाँ से हम ये देखें शनि का लग्न लग्नेश से, तो भी हमारा एसोसिएशन नहीं बनता, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठी दृष्टि की होती नहीं है, तो ये भी एसोसिएशन नहीं बन रहा है इनके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारे इस तरह क्रॉस आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये कुंडली के अंदर अच्छा योग है, और इसमें चाइल्ड जो है मतलब जल्दी ही हुआ, जो शादी के 1 साल के भीतर मतलब ये चाइल्ड हुआ। आल्दो मतलब आपको ये जब चाइल्ड के बारे में ऐसी फलित करते हैं तो डिज़ायर होना ज़रूरी है मेल की या फीमेल की, उसके बाद ही चाइल्ड पॉसिबल है, लेकिन अगर डिज़ायर है और चाइल्ड लेट हो रहा है तो पक्की बात है कि सैटर्न का एसोसिएशन है, और अगर डिज़ायर है और चाइल्ड जल्दी हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सैटर्न का एसोसिएशन वहाँ पे नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो आपको तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।